अब खबर महाराष्ट्र के वर्धा से, जहां सेना के सबसे बड़े हथियार डिपो में लगी आग के जांच के आदेश दिए गए हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर थोड़ी ही देर में फुलगांव के डिफेंस डिपो पहुंचने वाले हैं। सेना प्रमुख भी हादसे की जगह के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। फुलगांव के डिपो में बीती रात करीब 1:30 बजे आग लगी, कई धमाके हुए उसके बाद, और इस हादसे में 2 ऑफिसर्स समेत 17 डिफेंस कोर के जवानों के मारे जाने की आशंका है। 19 जवान जख्मी हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और बड़ी बात ये रही कि इस आग के लगने के बाद कई धमाके हुए और आसपास के गांवों को खाली करार दिया गया। तो डिपो की आग पर काबू पा लिया गया है। अस्पताल में भर्ती घायल जवानों का इलाज चल रहा है। हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। वैसे आपको बता दें कि सेना के हथियार डिपो पर कड़ा सुरक्षा घेरा रहता है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की निगरानी रहती है। ऐसे में इस तरीके की आग की घटना में एक्सपर्ट्स साजिश की आशंका से इंकार नहीं कर रहे हैं। क्यों और कैसे हुआ? इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती हैं। कई बारी आपका अगर एसी या जहां ठंडा कर रहे हों एमिनेशन को, वहां पे आपका एसी फेल हो जाए या एयर कूलिंग फेल हो जाए और फ्यूम्स, नॉक्सिक फ्यूम्स वहाँ पे जो है, टॉक्सिक फ्यूम्स वो बढ़ जाएं और इन्फ्लेमेबल हो जाएं, उससे बहुत सारी वजहें हैं। साबोटाज भी हो सकता है, सबवर्शन एलिमेंट्स का भी काम हो सकता है। तो ये केवल इंक्वायरी ही जो है ठोस तौर पे कह पाएगी। रुक करते हैं जीबीटी संवाददाता अखिलेश हलवे का। अखिलेश, कैजुअल्टी 20 हो जाने की बात कही जा रही है, अपडेट क्या है और रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ कब पहुंच रहे हैं वहां? प्रीति, अगर हम कहें कि ये एशिया का सबसे बड़ा एमिनेशन डिपो तो गलत नहीं होगा। पिछले 74 साल से यहाँ पर बना हुआ है और इसके पहले सिर्फ के 2 स्फोट यहाँ पे हो चुके हैं, 1979 और 1998, और ये माने कि 74 साल के इतिहास में तीसरा बड़ा स्फोट तो गलत नहीं होगा। तकरीबन 1:30 बजे ये स्फोट हुआ है यहाँ पर। यहाँ बता दूँ कि यहाँ पे 5 सब ग्रुप्स हैं, उसमें से डी या डेल्टा सब ग्रुप जो है वहाँ पे ब्लास्ट हुए, और तकरीबन पहला 1:30 बजे जब ब्लास्ट शुरू हुए तो एक के बाद एक कई ब्लास्ट होते गए और पूरी एक चेन ब्लास्ट की हो गई और काफ़ी देर तक ब्लास्ट चलते रहे। अब तक 17 लोगों के मरने की खबर, इसमें 2 ऑफिसर्स का नाम भी आ रहा है, इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल पवार और मेजर मनोज, इन दोनों का नाम का जिक्र किया जा रहा है। और डिफेंस सर्विस कोर जो इस तरह के जो ऑर्डनेंस फैक्ट्री है या इस तरह के डिपो है, वहाँ जो इनकी जिनका दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है, ऐसे डिफेंस सर्विस कोर के 15 लोगों के मरने की खबर आई है। इसके अलावा 19 लोग अभी अस्पताल में, उनमें से कुछ सीरियस भी है। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि जो सीरियस उनमें से, तो मृतकों की तादाद जो है वो बढ़ने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। और इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद इस मामले की जो पूरी जांच होगी, उसमें आग क्यों लगी, इसकी घटना की पूरी जानकारी आएगी। और इस पूरे मामले की जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्री पर्रिकर और सेना प्रमुख दलबीर सिंह दोनों खुद यहां पर आ रहे हैं, पूरा जायजा यहां के लेंगे, उसके बाद शायद हमसे बात भी करेंगे, तब पता चलेगा इन सब कारणों का। लेकिन ये अगर कहा जाए कि बड़ा हादसा हुआ और देश की रक्षा के इतिहास में इतना बड़ा हादसा पहले कभी नहीं हुआ तो गलत नहीं होगा। इस पूरे मामले में सवाल ये भी है कि जब पहले आग लगी और उसके बाद एक के बाद एक धमाके हो रहे थे, तो गाँव वालों को वहां से मूव कराया गया था, क्या उन लोगों के वापस अपने गाँव में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है या फिर कहे सारे गाँव वाले अपने अपने गाँव में लौट चुके हैं? अदिति, आपको बता दूं कि ये ब्लास्ट इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर जो लोग रह रहे थे उनके घर के शीशे टूटे हैं, खिड़कियां फूटी हैं, तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट इन सब ब्लास्ट का पाया गया। वहां तक लोगों ने आवाज़ सुनी है। वहां पे लोग डर के मारे, लोग बहुत से भाग गए थे, लोग कुछ गाँव खाली, तकरीबन यहाँ के आसपास जो 5 गाँव हैं जिसमें नाचन गाँव का भी गाँव का नाम है, इन सब गाँव को वहाँ से खाली कराया गया। अब लोगों को दोबारा वापस लाने का जो जरिया है, जो कार्यक्रम किया जा रहा है, अधिकारी यहाँ के जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस हो, पुलिस हो या फिर यहाँ के सेना के अफसर हो, वापस वहाँ लाया जा रहा है और इस पूरे मामले की जांच हो जा रही है। लेकिन अभी थोड़ी देर में यहाँ पे पर्रिकर पहुंचेंगे और इसके बाद इस पूरे मामले में और खुलासा होने की उम्मीद है। अखिलेश, आएंगे आपके पास जब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और आर्मी चीफ वहाँ पर पहुंचेंगे।